Alright, so hey, what's up everybody? This is Ajishin, they're back into the game with new videos. So finally, हमारे पास आ गई Hammer Active 3.0. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका full detail review और आज के इस वीडियो के अंत तक आपको एक clear हो जाएगा कि आपको स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहिए या नहीं. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू. बॉक्स ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं फ्रंट में हैमर एक्टिव 3.0 का एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है. राइट साइड में यहाँ पर हमें थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं. लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर कई सारे फीचर जो है वो दिए गए. बैक साइड में वापस से हमें एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है. अभी बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप, वायरलेस चार्जिंग केबल, स्ट्रैप एडजस्ट करने के लिए टूल किट, और दोस्तों यहाँ पर हमें यूजर मैनुअल और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड का QR जो है वो देखने को मिल जाता है. अभी बात करते हैं बिल्ट और डिजाइन की, तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफी अच्छा प्रीमियम मैट फिनिश में यहाँ पर बॉडी जो है वो देखने को मिल जाती है. लुक्स ना दोस्तों यहाँ पर इसके काफी किलर है. यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रैप्स वगैरह की क्वालिटी बहुत बढ़िया है. बैक साइड में हमें ग्लास फिनिश जो है वो देखने को मिल जाती है. और दोस्तों यहाँ पर क्राउन्स और बटन्स की पोजिशनिंग ना काफी अच्छे से की गई है. राउंड डायल एप्पल वॉच में कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है. बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें 1.39 इंचेस का IPS डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है. 600 nits का पीक ब्राइटनेस है. और हाँ, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डायल का भी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है. और डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए 100 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है. और ये जो क्राउन है ना वो वर्किंग क्राउन होने वाला है. और यहाँ पर तीन अलग अलग मेन्यू स्टाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं. अभी फटाफट से देखते हैं इस पूरी स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस. वॉच जो है की अगर बात करें तो जैसे आप राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे विजेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे. दोस्तों यहाँ पर आप 100 प्लस वॉच फेसेस जो है वो सेट कर सकते हो, साथ साथ कस्टम वॉच फेस सेट कर सकते हो. और दोस्तों लेफ्ट से और एक बार राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पर ना आपको स्प्लिट स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है. ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे. नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाता है. एयरप्लेन मोड वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हो. फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है. हैमर एक्टिव 3.0 के मेन मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर हार्ट रेट, डायलर, फोन बुक, ECG, फेसबुक, हेल्थ ट्राइसाइकल, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स मोड, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, ट्विटर, व्हाट्सएप, रीसेट, वेदर, लुकिंग फॉर स्लीप. मेन्यू स्टाइल में यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट मेन्यू स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाते हैं. उसी के नीचे मैसेजेस, स्टॉप वॉच, QR कोड, मोर में यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. गेम्स में यहाँ पर आपको एक गेम जो है वो देखने को मिल जाएगा. कैलेंडर, कैलकुलेटर और SOS का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है. सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अबाउट, सीरी, सेट लैंग्वेज, सेट टाइम, सेट डेट, बैकलाइट टाइम यहाँ पर आप सेट कर सकते हो. 3 मिनट का यहाँ पर आपको मैक्स टाइम आउट जो है देखने को मिल जाता है. उसी के नीचे बैक टू डायल, बेडसाइड लैम्प, बैक लाइट, ब्राइटनेस यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो. ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है. उसी के साथ यहाँ पर रेस टू वेक, स्क्रीन सेवर, स्लाइड स्लिप, मतलब यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन, और दोस्तों यहाँ पर आप टाइम फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो. वॉच UI की अगर बात करें तो काफी क्लासिक सा UI हमें देखने को मिल जाता है. लेकिन दोस्तों टच रिस्पॉन्स ना काफी बढ़िया है. टच रिस्पॉन्स तो अच्छा है ही, साथ ही साथ ये जो क्राउन है ना वो वर्किंग क्राउन होने वाला है. अभी बात करते हैं इस वॉच के हाईलाइटिंग फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है. AI वॉइस असिस्टेंट दिया गया है. यहाँ पर आप आपकी ही वॉच के ऊपर म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ स्पीकर भी दिया गया है तो म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो. इतना ही नहीं दोस्तों, इनबिल्ट गेम भी दिया गया है, कैलकुलेटर है, साथ ही साथ कैलेंडर भी दिया गया है. अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग के साथ साथ ECG का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा. स्पोर्ट्स मोड की अगर बात करें तो मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं. इन ऐप GPS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है. वाटर रेजिस्टेंसी की अगर बात करें तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है ना वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है. और बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 5 to 6 डेज का बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिल जाएगा. और कलर वेरिएशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4 मस्त से कलर ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं. तो अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर. तो दोस्तों इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस है 1899 रुपीज. और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा का राउंड डायल वाला वेरियंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं. लुक्स इसके काफी प्रीमियम है. ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं. तो दोस्तों ये ना बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर 2000 अगर आप देख रहे हो कोई स्मार्ट वॉच लुक्स के लिए तो परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट.